नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर कौशल चौधरी कार कंपेरोज में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा नेक्सॉन ईवी और किया सेल्टोस की एक विस्तृत तुलना। दोस्तों टाटा ने नेक्सॉन ईवी की कीमत क्रेटा और सेल्टोस के ऑटोमेटिक मॉडल के समान रखी है, इसलिए उसकी तुलना सब 4 मीटर एसयूवी के बजाय उससे एक श्रेणी ऊपर की एसयूवी से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको नेक्सॉन ईवी की ऐसी खूबियाँ बताने वाले हैं जो उसे पेट्रोल और डीजल मॉडल से बेहतर गाड़ी बनाती है, और तुरंत उसके बाद हम इसी वीडियो में आपको किया सेल्टोस की ऐसी खूबियाँ बताने वाले हैं जो नेक्सॉन ईवी में मौजूद नहीं है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्सॉन ईवी के पहले फायदे से, जो है उसका पिकअप। दोस्तों नेक्सॉन ईवी को 2 मिनट चलाने के बाद एक बात जाहिर हो जाती है कि उसका पिकअप सेल्टोस के टर्बो पेट्रोल मॉडल से काफी तेज महसूस होता है। दरअसल सेल्टोस टर्बो पेट्रोल का पिकअप नेक्सॉन ईवी के समान है, क्योंकि दोनों गाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति ओवर की रफ्तार पाने के लिए लगभग 10 सेकंड लगते हैं दोस्तों। लेकिन नेक्सॉन ईवी ज्यादा तेज पिकअप का एहसास देती है, इसकी वजह है सेल्टोस जैसी पेट्रोल गाड़ी में क्लच देख रहते गियर का बदलना इत्यादि चीजों में कुछ पल बीत जाते हैं जो नेक्सॉन ईवी में बिल्कुल नहीं होते दोस्तों, क्योंकि उसमें क्लच है और ना ही कोई गियर। इस वजह से एक्सीलरेटर दबाने पे चालक को तुरंत ही पिकअप का एहसास मिलता है। दोस्तों गाड़ी चलाते वक्त यह वाकई में बड़ी मजेदार बात लगती है, और इसी वजह से आज लाखों लोग टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दीवाने हो गए हैं। रही बात सेल्टोस डीजल और बिना टर्बो वाले पेट्रोल मॉडल की, तो उनका पिकअप नेक्सॉन ईवी के आसपास भी नहीं है दोस्तों। लेकिन नेक्सॉन ईवी का पिकअप जितना अच्छा है उतना ही टॉप स्पीड उसकी खराब है दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों दूसरा बड़ा फायदा है नेक्सॉन का, वो है उसका माइलेज। अगर पेट्रोल माइलेज की भाषा में बोला जाए तो नेक्सॉन ईवी का माइलेज है 103 किलोमीटर प्रति लीटर। कैसे? क्योंकि 80 रुपये की बिजली में वह 103 किलोमीटर चलती है दोस्तों। जैसे 80 रुपये के पेट्रोल में नेक्सॉन 16 किलोमीटर चलती है, वैसे ही। तो दोस्तों आइएगा हम इस माइलेज को कैसे 103 किलोमीटर का है बताते हैं। गौर से देखिए, नेक्सॉन की ARAI प्रमाणित रेंज है 312 किलोमीटर, उसकी बैटरी है 30 किलोवाट आवर की, यानी कि 30 यूनिट की। अब एक यूनिट बिजली का दाम 4 रुपये से लेकर 15 रुपये तक हो सकता है दोस्तों, जिसे हमने एवरेज 8 रुपये माना है। इस हिसाब से आपको एक साल में 12,000 किलोमीटर की रनिंग के हिसाब से सिर्फ 9,000 रुपये की बिजली लगानी पड़ेगी दोस्तों। दूसरी ओर सेल्टोस पेट्रोल में आपको सालाना 80-90 हज़ार रुपये का ईंधन लगाना होगा, और डीजल सेल्टोस में 60,000 रुपये का दोस्तों। आज टाटा अपनी बैटरी पर 8 साल की वारंटी भी दे रहा है दोस्तों, इसलिए हमने 8 साल के रनिंग के हिसाब से लगाया है, जिसमें सेल्टोस के पेट्रोल पर आपको नेक्सॉन ईवी से 6 लाख रुपये ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और डीजल सेल्टोस पर 4 लाख रुपये ज़्यादा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा मान रहे हैं कि अगले 8 साल में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 1 रुपये से भी नहीं बढ़ेगी, जबकि वास्तव में वह 20-25 रुपये तो जरूर बढ़ जाएगी दोस्तों। मगर सिर्फ ईंधन का खर्चा बचाने का नेक्सॉन ईवी आपको लंबी दौड़ में सेल्टोस से सस्ती पड़ेगी या नहीं, इस बात का हम आपको आगे विस्तार से विश्लेषण करके बताएंगे दोस्तों। दोस्तों जो तीसरी खूबी है वो है स्मूथनेस। दोस्तों एक्सीलरेशन के साथ साथ नेक्सॉन ईवी का एक और बड़ा फायदा है कि उसकी स्मूथनेस। लेकिन यहाँ पर टाटा ने बहुत ही बढ़िया काम किया है दोस्तों। सिर्फ इंजन की आवाज़ ना होने से ही गाड़ी स्मूथ और शांत नहीं हो जाती है दोस्तों, विंड नॉइस, टायर नॉइस और रोड नॉइस भी कम करनी पड़ती है दोस्तों। और टाटा मोटर्स ने इस बात का खास ख्याल रखा है दोस्तों। दरअसल MG की काफ़ी महंगी ZS EV में हमें नेक्सॉन से ज़्यादा विंड नॉइस महसूस हुआ है दोस्तों, लेकिन उससे 10 लाख रुपए सस्ती नेक्सॉन ईवी उससे काफ़ी ज़्यादा शांत लगी। वैसे तो सेल्टोस का स्मूथनेस कुछ बुरा नहीं है दोस्तों, वह अपनी श्रेणी की सबसे स्मूथ गाड़ी है दोस्तों। दरअसल सेल्टोस में विंड नॉइस, टायर नॉइस और रोड नॉइस पर नेक्सॉन ईवी से बेहतर नियंत्रण रखा गया है दोस्तों, लेकिन सेल्टोस के इंजन का थोड़ा सा आवाज़ तो सुनाई देती है दोस्तों, खासकर गियर बदलते वक्त जब आपको हल्का सा झटका भी महसूस होता है। ये दिक्कत भी नेक्सॉन ईवी में मौजूद नहीं है दोस्तों, इसलिए वह सेल्टोस से भी ज़्यादा स्मूथ लगती है दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है दोस्तों। हमारा नया वीडियो जाते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों नेक्सॉन ईवी का चौथा फायदा है सारे मॉडल्स उसके ऑटोमेटिक हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक और फायदा है कि वह सारे ऑटोमेटिक्स होती हैं, उनमें ना कोई क्लच होती है और ना ही कोई गियर लीवर दोस्तों। इसलिए हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी पेट्रोल या डीजल गाड़ी से तुलना करना जा रहे हो तो सिर्फ उनके ऑटोमेटिक मॉडल से तुलना करना, मैनुअल मॉडल से नहीं। यहाँ पर भी सेल्टोस के ऑटोमेटिक मॉडल्स उसके मैनुअल मॉडल से 1.25 लाख रुपये महंगे हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ऑटोमेटिक होने के नाते नौसिखिए चालकों के लिए उचित रहेंगी, ऐसी गलतफहमी मत पालना, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्सॉन ईवी की खूबियां क्या हैं यह तो आपने देख लिया, तो आइए अब यह भी देखते हैं कि सेल्टोस पेट्रोल और डीजल की खूबियां क्या हैं दोस्तों। दोस्तों सेल्टोस पेट्रोल और डीजल की खूबी जो पहली है वो है उसका कीमत और फीचर्स। दोस्तों नेक्सॉन ईवी का बेस मॉडल यानी कि XM8 16,30,000 रुपये को मिल रहा है ऑन रोड दिल्ली। सेल्टोस का STK प्लस डीजल ऑटोमेटिक मॉडल उससे 40,000 रुपये सस्ता है। सस्ती होने के बावजूद सेल्टोस में नेक्सॉन से 10-15 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जैसे पार्किंग कैमरा,
एलॉय व्हील्स और 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले इत्यादि, जिसकी पूरी लिस्ट आप यहां स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हो दोस्तों। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती है। नेक्सॉन ईवी के टॉप एंड मॉडल यानी कि एक्सजेड प्लस लक्स की कीमत है 18,60,000 रुपए, यानी कि सेल्टोस एसटी के प्लस डीजल ऑटोमेटिक से 2,50,000 रुपए महंगी है दोस्तों। यहां पर भी सेल्टोस में 4-5 फीचर ज्यादा मिल रहे हैं दोस्तों, जैसे रियर डिस्क ब्रेक, रियर सनशेड इत्यादि। दूसरी ओर आपको टॉप एंड नेक्सॉन ईवी में भी सेल्टोस एसटी के प्लस से 5-6 फीचर ज्यादा मिलते हैं, जैसे सनरूफ, क्लाइमेट कंट्रोल और मोबाइल फोन से एसी ऑन ऑफ करने की सुविधा। अब इससे पहले कि आप सनरूफ पे फिदा हो जाएं, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए दोस्तों कि नेक्सॉन ईवी में हिल होल्ड नाम का एक अनिवार्य फीचर उपलब्ध है। हिल होल्ड फीचर ढलान पे आपकी गाड़ी को पीछे खिसकने से रोकता है। यह एक बहुत उपयुक्त फीचर है जो नौसी के चालकों के लिए तो वरदान की तरह है दोस्तों। फ्लाईओवर्स और बेसमेंट पार्किंग में जब गाड़ी की तीव्र ढलान पर रोकना पड़ता है, तब हर एक न्यू चालक जो होता है वो बहुत टेंशन में आ जाता है, खासकर पीछे दूसरी गाड़ी खड़ी हो तो, क्योंकि ढलान पर चढ़ने से पहले उसकी गाड़ी थोड़ी बहुत पीछे जरूर खिसकती है। अचरज की बात तो यह है कि पेट्रोल और डीजल नेक्सॉन के बेस मॉडल से टाटा ने यह फीचर दिया है, मगर खेद की बात यह है कि नेक्सॉन ईवी में यह जरूरी फीचर्स आने से रह गया, जबकि नेक्सॉन ईवी को दरअसल उसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि वह ढलान पर काफी ज्यादा पीछे खिसकती है और इसी वजह से नेक्सॉन ईवी नौसिखिए चालकों के लिए बिल्कुल भी उचित गाड़ी नहीं है। दूसरी ओर सेल्टोस डीजल ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर प्रकार का गियरबॉक्स मौजूद है, जो टिप ढलान पर 1 इंच भी पीछे नहीं खिसकता है। यह बात कभी मत भूलना दोस्तों। दोस्तों जो दूसरा फायदा है उसका वो है टॉप स्पीड का। सेल्टोस टर्बो पेट्रोल का टॉप स्पीड 190 किलोमीटर प्रति आवर की है और डीजल का 180 किलोमीटर प्रति आवर। अब नेक्सॉन ईवी तो डीजल सेल्टोस से 14 एचपी ज़्यादा शक्तिशाली है और सेल्टोस टर्बो पेट्रोल से सिर्फ 11 एचपी कमजोर है, मगर नेक्सॉन ईवी की टॉप स्पीड सेल्टोस से 50-60 किलोमीटर प्रति आवर कम है दोस्तों। जी हाँ, नेक्सॉन ईवी की टॉप स्पीड केवल 120 किलोमीटर प्रति आवर है। माना कि अधिकतर ग्राहक अपनी गाड़ी 120 के ऊपर नहीं चलाते, लेकिन अब हमारे देश में भी कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे बन चुके हैं दोस्तों, जिन पर गाड़ी 160 की रफ्तार तक सुरक्षित रूप से चल सकती है दोस्तों। उनमें से अधिकतर एक्सप्रेसवे पे आज 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड लिमिट डाली गई है, लेकिन चालकों को अकल आते ही यह स्पीड लिमिट बढ़ा दी जाएगी, तो कुछ साल बाद 120 की रफ्तार आपको पर्याप्त नहीं लगने वाली है, यह बात याद रखना दोस्तों। दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी खूबी जो है वो है उसकी ईएमआई यानी कि किस्तें। नेक्सॉन ईवी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका ईएमआई सेल्टोस डीजल ऑटोमेटिक से 6,000 रुपये महंगा है। यकीन नहीं आता तो स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ हिसाब देख लीजिए। नेक्सॉन ईवी का एक्सजेड प्लस लक्स मॉडल पे आपको कम से कम 2,50,000 की डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, जिसके बाद आपको अगले 5 साल हर महीने 34,000 रुपये की किस्तें देनी पड़ेंगी। ना ही डाउन पेमेंट आपने सेल्टोस एसटी के प्लस डीजल ऑटोमेटिक पर कर दिया तो आपको सिर्फ 28,000 रुपये की किस्तें देनी पड़ेंगी दोस्तों, और यही नेक्सॉन ईवी के सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों। चलो इसमें ईंधन का खर्चा भी जोड़ देते हैं दोस्तों, जो सेल्टोस डीजल का होगा लगभग 5,000 रुपये प्रति महीना और नेक्सॉन ईवी का सिर्फ 800 रुपये प्रति महीना। फिर भी सेल्टोस डीजल नेक्सॉन ईवी से हर महीना 2,000 रुपये सस्ती पड़ती है, महंगी नहीं दोस्तों। इसलिए इकलौती वजह यह है कि अगले 5 साल सेल्टोस पेट्रोल और डीजल नेक्सॉन ईवी से कई गुना ज़्यादा बिकेंगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जब तक इस एक पहलू में इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल गाड़ियों के नज़दीक नहीं आ जाती हैं दोस्तों, तब तक वह मार्केट में सफल नहीं हो पाएंगी, और तब तक हमारी तुलना की विजेता सेल्टोस डीजल ऑटोमेटिक ही रहेगी दोस्तों। दोस्तों चौथा जो फायदा है वो है रीसेल वैल्यू का। सेल्टोस डीजल ऑटोमेटिक का एक और फायदा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे दोस्तों कि 7-8 साल बाद वह आपको 7-8 लाख रुपए जरूर रीसेल वैल्यू दिलाएगी। इसके विपरीत नेक्सॉन ईवी की बैटरी वारंटी खत्म होने के बाद उसकी रीसेल वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वारंटी के बाद अगर नेक्सॉन ईवी की बैटरी खराब हो गई तो उसे बदलने में 4-5 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है। इस खर्चे के डर से 8 साल पुरानी नेक्सॉन ईवी को सेकेंड हैंड मार्केट में अच्छी कीमत मिलना काफी मुश्किल साबित हो सकता है दोस्तों। दोस्तों रही बात उन पहलुओं की जिनमें ये दोनों गाड़ियां लगभग एक समान है, तो वो है अंदरूनी जगह, पकड़ संतुलन और इंटीरियर। बैटरी की वजह से नेक्सॉन ईवी के अंदरूनी जगह या बूट स्पेस में कोई कटौती नहीं हुई है दोस्तों। इस वजह से नेक्सॉन में 5 यात्रियों के लिए सेल्टोस के बराबर जगह उपलब्ध है। बस बूट स्पेस के मामले में सेल्टोस लगभग 25% बेहतर है, क्योंकि उसका बूट नेक्सॉन ईवी से 125 लीटर ज़्यादा है दोस्तों। रही बात पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट की, तो नेक्सॉन ईवी का वजन सेल्टोस से लगभग 100 किलो भारी है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे नीचा है, जिसके कारण उसकी पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट दोनों सेल्टोस से थोड़े से बेहतर है दोस्तों। दोस्तों आज की लेटेस्ट गाड़ियों के पर्दाफाश करने वाले वीडियो की एक झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इस वीडियो को जरूर लाभ उठाइएगा दोस्तों, और यह वीडियो जो आपने जरूर आखिर तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद।